हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉलिटी की सीरीज में, जहां हम कर रहे थे पॉलिटी की एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 to 12। इसी सीरीज में हम क्लास 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7 के फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैज बीन डन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। व्हाट इज इट? इट इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। सो इट कम्स अंडर द हेडिंग, ये जेंडर हेडिंग के अंडर आता है और टॉपिक है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, कि किस तरह से एक बॉय, एक लड़के का ग्रो होना एक लड़की के ग्रो होने से समाज में डिफरेंट है। समाज का जो नज़रिया है वो लड़के और लड़की की ग्रोथ से रिलेटेड, उसे किस तरह का माहौल देना चाहिए, किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट आप करें, किस तरह का व्यवहार आप कहें करना चाहिए, उसे लेकर डिफरेंट है या नहीं है और किस तरह से उसका इम्पैक्ट फुल ऑन ग्रोथ में पड़ता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी के साथ हमने कवर किया था स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी। हमने जाना था कि इक्वालिटी मतलब बराबरी क्या होती है और उसको किस तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है, इस चीज़ को कंफर्म करती है कि इक्वालिटी हर एक को मिले। हमने ये भी देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन हैं जो इक्वालिटी से रिलेटेड हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 14 जो कहता है कि हर एक इंसान कानून के नज़र में और कानून के सामने बराबर है, एक तरह का ट्रीटमेंट उनको मिलेगा, उसके बारे में जाना था। आर्टिकल 15 जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी इंसान के बीच में, सिटीजन ऑफ इंडिया के बीच में, भारत के नागरिक के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जाति, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेस पर उन पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और साथ ही आर्टिकल 17 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को, छूत छात को, जो कि उसको हमारे समाज से पूरी तरह से निष्कासित करता है। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। सो यस, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि एक जो सोसाइटीज के जो मापदंड हैं या सोसाइटी का जो नजरिया है, सोसाइटी का जो व्यवहार है, वो बॉय और गर्ल को लेकर क्या डिफरेंट है या सेम है। फिर हम जानेंगे कि डिफरेंट सोसाइटीज में क्या ये ट्रीटमेंट सेम रहता है, कि हर एक सोसाइटी में क्या एक ही तरह का मापदंड या एक ही तरह का क्राइटेरिया लड़की के लिए रखा गया है और एक ही तरह का क्राइटेरिया लड़के के लिए रखा गया है। कि जिस तरह से हम जनरली देखते हैं कि जो औरतें होती हैं, विमेन होती है, फीमेल्स होती है, उन्हें जनरली कहा जाता है कि वो घर में रह के परिवार का ध्यान रखें, घर में रह के फैमिली की देखरेख करें, और बाहर जाके काम करने का जो जिम्मा है या जो जिम्मेवारी है वो एक मेल की है। तो क्या हर एक समाज में हमारे बहुत तरीके के आप कहें तो एक तरह से सेटअप हैं सोसाइटी के, तो क्या हर एक तरह के कल्चर में इसी तरह की जो एक तरह से आप बताए व्यवस्था फॉलो की जाती है। ठीक है, इस चीज़ को हम जानेंगे डिफरेंट सोसाइटीज़ में क्या तरीका है इस चीज़ को फॉलो करने का। ठीक है, साथ ही हम कुछ करंट के बेसिस पे कुछ इंडाइसेस को भी पढ़ेंगे जो इनइक्वालिटी पाई जाती है जेंडर के बेस पर। ठीक है, जो इनइक्वालिटी पूरे विश्व में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये जो इक्वालिटी किसी भी, इनइक्वालिटी किसी भी नज़रिए में हो, ठीक है ना, भेदभाव किसी भी बेस पे किया जाए, अगर वो रेस के बेस पे किया जा रहा है, कलर के बेस पे किया जा रहा है, जात के बेस पे, कास्ट के बेस पे किया जा रहा है, या फिर वो सेक्स के बेस पे किया जा रहा है, भेदभाव किसी भी देश की आप कहें प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा होता है, जो वो उसको एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। तो पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो भेदभाव सेक्स के बेस पे या जेंडर के बेस पे किया जाता है, उसको रोकने के लिए बहुत से काम करते हैं और उसको देखने के लिए कि किस समाज में, किस कंट्री में कितना जो परसेंटेज है इनइक्वालिटी का, इक्वालिटी का पाया जाता है, उस बेस के ऊपर इंडाइसिस निकालते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरह से जो वर्क है, वैल्यू ऑफ वर्क
ऑफ मेल एंड फीमेल, क्या उनकी एक ही बराबर की उनकी वैल्यू है? जो एक मेल काम करता है और एक जो फीमेल काम करती है, क्या समाज में उसे एक ही नज़रिए से देखा जाता है, एक ही तरह की वैल्यू से प्रोवाइड की जाती है? इसी के बारे में हम सब आज पढ़ेंगे. ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि आप पहले ये जान लीजिए कि व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज जेंडर. ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड अ गर्ल. अगर हम इसे बायोलॉजिकल वे में देखें, शारीरिक व्यवस्था के रूप में देखें बायोलॉजिकली, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है इसे आप कहेंगे सेक्सुअल डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, कि हार्मोन्स जो हैं मेल में डिफरेंट होते हैं, फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं. ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स की अगर आप बात करें डिफरेंट होते हैं. ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स डिफरेंट है. क्रोमोसोम्स की बात करें, क्रोमोसोम्स की बात करें, है ना, जिस बेस पर जो सेक्स है वो डिटरमाइन किया जाता है कि जो चाइल्ड है, जो बेबी है, वो बॉय होगा कि गर्ल होगा. तो अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा तो शी विल बी अ गर्ल, और एक्स वाई होगा जो हमने अपने जो स्कूल की पढ़ाई में इतना हमने जाना है. ठीक है, सो बायोलॉजिकली जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं बॉय और गर्ल में, सो दैट इज कॉल्ड अ सेक्स. जो बायोलॉजिकली डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, हार्मोन्स डिफरेंट हैं, ऑर्गन्स डिफरेंट हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेक्स, जो आप बदल नहीं सकते. ठीक है, सेक्स चेंज की सर्जरीज होती हैं, दैट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो चॉइस के बेस पर है. थर्ड जेंडर उसे करना चाहते हैं, जब आप उस पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं उस सेक्स से जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ असाइन हुआ है, सो सेक्स ट्रांसमिशन सर्जरीज भी कराई जाती हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. पर जनरली व्हाट इज सेक्स, दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल टर्म्स और बायोलॉजिकली फीचर्स जो है. बट जेंडर क्या है? जेंडर जो है ना, दैट इज हैज अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सामाजिक जो है इसका असर है. जेंडर का मतलब है कि जब आपके सेक्स के बेस पर आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके काम हैं, आपसे जो अपेक्षाएं हैं, आपसे जो आपके पहनने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, उसका एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड जेंडर. ये सोशियोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल है, ये समाज का है, ये समाज ने सेट किया है. ठीक है, समाज ने सेट किया है कि एक औरत को ज्यादा जोर से हंसना नहीं है, या ज्यादा देर तक बाहर रात को नहीं रहना है, या आप जनरल में बोले कि जो बहुत ज्यादा जो घर की देखरेख का काम है, जो समाज जो फैमिली का ध्यान रखने वाला काम है, वो एक औरत का है, और एक आदमी का क्या काम है, बाहर जाकर पैसा कमा के लाना. सो दैट इज अ सामाजिक व्यवस्था, समाज का सेटअप, समाज के आप कहें तो एक तरह से स्टीरियोटाइप्स है ना, या प्रेजुडिस, जो ऑलरेडी डिसाइड कर दिए गए हैं. इस वर्ड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, आई थिंक लास्ट की क्लास के चैप्टर एनसीईआरटीज में, क्लास सिक्स की. ठीक है, स्टीरियोटाइप्स जो है कि आप किसी के बारे में पहले ही धारणा बना लेते हैं और उसे फिर जनरलाइज कर देते हैं पूरे ग्रुप में. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप बोल देना कि हाँ लड़कियां ये काम नहीं कर सकती. ठीक है, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, पहले तो ये भी मानसिकता थी, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती, लड़कियां अंतरिक्ष पे नहीं जा सकती, लड़कियां एवरेस्ट पे नहीं जा सकती. सो ये एक मानसिकता है, ये किसी तरह से बायोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया है. ठीक है ना, बायोलॉजिकली फिजिकली ये प्रूव नहीं है कि भाई इसी जो कैटेगरी का पर्सन है ये काम कर सकता है और ये वाला नहीं कर सकता. ठीक है, सो दैट जेंडर क्या हो गया, जेंडर हो गया सोशियोलॉजिकल, जो समाज अपने हिसाब से एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक तरह से रिक्वायरमेंट्स, खाने के तरीके, पहनने के तरीकों को सेपरेट कर देता है. ठीक है, यहां तक कि उनके लाइवलीहुड की, वो क्या काम करेंगे, क्या ऑक्यूपेशन लेंगे, किस तरह की पढ़ाई करेंगे, फ्यूचर क्या होगा, वो भी सेट कर दिया जाता है. तो दैट कम्स अंडर द जेंडर. ठीक है, तो सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना, और जेंडर जो है दैट इज सोशियोलॉजिकल, वो सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी का मापदंड है. तो हमें इस चैप्टर पे जेंडर के बेस पे ही अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि बायोलॉजिकली तो बाय गॉड वो डिफरेंट बनाए गए हैं, एक को नर्चर बनाया गया है. ठीक है ना, क्योंकि
ओनली फीमेल हैज अ पावर टू गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ, तो दैट इज अ बायोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन, वो उसे चेंज नहीं किया जा सकता. बट जेंडर के हिसाब से सोसाइटी ने किस तरह से दोनों पे भेदभाव किया और किस तरह का इम्पैक्ट उनके फर्दर फ्यूचर में पड़ता है, वही हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें जो है सबसे दो इसमें केस स्टडीज की बात की गई है. एक है समोआ आइलैंड, जो साउथ पैसिफिक में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसी में से साउदर्न पार्ट में उनके एक आइलैंड है. उसके केस स्टडी को यहां मेंशन किया गया है कि वहां पे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की हो, वो स्कूल नहीं जाते. और जल्दी क्या देखा जाता है कि वो जितना भी काम है, छोटे बच्चों का ध्यान रखना हो, फिशिंग करना हो, क्योंकि वो एक आइलैंड है तो वहां का जो मुख्य व्यवसाय है, जो मेन ऑक्यूपेशन है, वो फिशिंग है. वो फिश पकड़ के अपना जो जीवन यापन है, जो अपनी लाइफ है, वो चलाते हैं. ठीक है, तो समोआ आइलैंड्स में कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाते. ठीक है, जो बॉय चाइल्ड है, जो लड़के होते हैं वहां के, वो जल्दी अपने से जो बड़े लोग हैं वहां पर, बड़े एडल्ट्स हो गए या अपने से जो बड़े सिबलिंग्स हो गए, उनसे ही सीखते हैं सभी काम. ठीक है, और 5 साल की उम्र तक वो जो सारा काम है वो उन्हीं से सीखते हैं. और बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग. और जो जनरली जो एडल्ट्स होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, और जो बच्चे 5 साल की उम्र से ऊपर के होते हैं, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो अपने से छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं. ठीक है, समोआ आइलैंड्स की ये व्यवस्था है. ठीक है, तो वहां पर अपने से छोटे बच्चों का वो ध्यान रखते हैं जो 5 साल की उम्र के हो जाते हैं. लड़के जब 9 साल की उम्र के होते हैं तो फिर वो ये काम छोड़ देते हैं और बाहर जाके वो फिशिंग सीखना शुरू करते हैं और बाकी काम जो है अर्न करने की वो सीखना शुरू करते हैं. ठीक है, तो अब बच्चों का जो ध्यान है वो रखेंगी सिर्फ लड़कियां. लेकिन लड़कियां भी जब टीनेज में एंटर करती हैं, टीनेज मतलब 14 ईयर्स है ना, 11 12 के आगे जाके 18 तक, सो जब इस एज ग्रुप में वो एंटर करती हैं, वो भी उस चीज को छोड़कर, बच्चों का ध्यान रखने को छोड़ के, वो भी बाकी कामों में, लाइक फिशिंग हो गया, प्लांटेशन हो गया, बहुत तरह के काम होते हैं, जैसे वो बास्केट बनाने का काम वो करते हैं. ठीक है, कुकिंग का काम करते हैं, प्लांटेशन का काम करते हैं, ये सब काम वो करने लगते हैं. तो अगर हम समोआ आइलैंड की एक ओवर जिस्ट निकालें तो क्या निकलता है कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा नहीं है. बॉय और गर्ल को सामाजिक तौर पर एक ही तरह से देखा जा रहा है. स्कूल दोनों ही नहीं जा रहे हैं, एक कुछ समय तक दोनों ही अपने से छोटे भाई बहनों का ध्यान रख रहे हैं, और थोड़ी देर बाद दोनों ही बाहर जाकर काम कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी जो लाइवलीहुड है उसे चला पाएं. ठीक है, चाहे फिर वो एक लड़का हो चाहे फिर वो एक लड़की हो. यहाँ तक कि यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो कुकिंग है वो स्पेसिफिकली बॉयज करते हैं और लड़कियां सिर्फ उनकी हेल्प करती हैं. ठीक है, तो ये है समोआ समोआ आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशन में एक साउदर्न आइलैंड का एक ग्रुप है, वहां की व्यवस्था. ठीक, नेक्स्ट यहां पे एक और केस स्टडी दी गई है मध्य प्रदेश की दी गई है. दैट इज, ये जो स्टडी की गई थी दैट इज 1920 और मध्य प्रदेश की 1960 की है. ठीक है, तो यहां पे बताया गया है कि 6th क्लास के बाद अप टू 6th क्लास लड़के और लड़कियों को एक ही स्कूल में पढ़ाना अलाउड है. ठीक है, 6th स्टैंडर्ड तक, अप टू 6th स्टैंडर्ड बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर अलाउड टू हैव इन अ सिंगल, यहाँ पे कोएड है ना, को एजुकेशन. 6th क्लास के बाद दे बोथ गो टू सेपरेट स्कूल्स. ठीक है, बॉयज का अलग हो जाएगा, ठीक है, और गर्ल्स का अलग स्कूल हो जाएगा. और गर्ल्स में भी और स्कूल्स में भी डिफरेंस को ऑब्जर्व किया गया कि जल्दी जो बॉयज का स्कूल होता है उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है खेलने के लिए, बट गर्ल्स के स्कूल में वैसा कुछ सेपरेट प्लेग्राउंड की व्यवस्था नहीं है. ठीक है, और लड़कियों के लिए जो आप कहें क्लासरूम्स का या बाकी खेलकूद का या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए जो व्यवस्था है वो बिल्कुल डिफरेंट है जिस हिसाब से लड़कों के लिए की गई है. लड़कों के लिए खेलकूद की ज्यादा की गई है. साथ ही ये भी देखा गया कि जब स्कूल ओवर होता है तो उसके बाद लड़कियां जिस रास्ते से जाती है जल्दी वो उस रास्ते को सिर्फ और सिर्फ अपने घर तक पहुंचने के लिए यूज करती है, जबकि बाकी जगह आप देखें तो जो लड़के हैं वो उस रास्ते को अपने बातचीत करने में या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने में एक्स्ट्रा में यूज करते हैं. तो किस तरह से है कि सोसाइटी ने एक सेट किया है कि लड़कियों को खेल कूद की या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है और पढ़ाई के बाद उनको सीधा घर जाना है. ठीक है, और लड़कों के लिए क्या है, उनके लिए पढ़ने का खेलकूद का सबका सेपरेट
जो है मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ है. सो इस तरह से हमने दो जगह पर देखा है, एक समोआ में और एक एमपी में. दोनों डिफरेंट सोसाइटीज है, ठीक है. बॉय तो वहां पे भी है ना. बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन तो हमेशा रहेगी, दैट इज अ नेचर मेड, उसे चेंज नहीं कर सकते. तो बॉय गर्ल्स तो समोआ में भी है, एमपी में भी है, लेकिन सोसाइटी का पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो समोआ और एमपी जैसे, एमपी में जिस जहां की ये केस स्टडी लिखी गई है, कितना डिफरेंस है. समोआ में आप एक तरह से देखेंगे कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, जेंडर कोई भी हो एक ही तरह का उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही है, ठीक है, एक ही तरह की फ्रीडम उनको दी जा रही है, ठीक है. लेकिन एमपी की जो केस स्टडी है उसमें ऐसा नहीं है. दोनों के लिए समाज का नजरिया अलग है, सामाजिक व्यवस्था अलग है. तो एक चीज तो क्लियर है कि जेंडर, एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जेंडर जो है दैट इज टोटली अ इट इज बेस्ड ऑन सोसाइटल माइंडसेट, है ना. और ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेगा. एक सोसाइटी में मे बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाए फीमेल्स को, एक जगह पे मेल्स को, या फिर बहुत ज्यादा इगैलिटेरियन हो. अगर फीमेल्स के आप इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे देश में भी बहुत सी ट्राइबल सोसाइटी है, जिसमें से एक एग्जाम्पल आती है साउदर्न में नायर्स की, मैट्रियार्कल सोसाइटी है वहां पर. अथॉरिटी जो है दैट इज विद द फीमेल, द हेड ऑफ द फैमिली इज अ फीमेल, ठीक है. मैट्रिलिनियल सोसाइटी की अगर आप बात करेंगे, मैट्रिलिनियल क्या होता है, जहां पे जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, नॉर्मली क्या होता है, जैसा हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ा था कि पिता की जो संपत्ति है वो पुत्र के पास चली जाती है ना, बाय बर्थ उसका बेसिक राइट है. फिर इसमें लीगल चेंजेस करके ये लाया गया है कि पुत्री का भी उतना ही अधिकार है, ठीक है. बट खासी ट्राइब में क्या है कि पिता की संपत्ति पे जो हक होता है वो डॉटर का होता है, ठीक है. सो दैट इज अ खासी ट्राइब. तो आप देखेंगे कि इस चीज से ये क्लियर होता है कि हर सोसाइटी में ये जो सामाजिक व्यवस्था है जेंडर को लेकर वो अलग अलग है. कहीं पे बहुत इगैलिटेरियन है, कहीं पे इगैलिटेरियन नहीं है. कहीं पे औरतों को बहुत ज्यादा आप कहें तो वैल्यू सिस्टम में उनकी पोजीशन हाई है, कहीं पे पैट्रियार्कल मेल की जो पोजीशन है दैट इज हाई, और कहीं पर बहुत ही ज्यादा आप कहें एट्रोसिटीज होती हैं फीमेल्स के साथ, उनकी फ्रीडम को खत्म करना और वो सब कुछ होता है. तो ये सब कुछ सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, ये हमने इन सभी जो केस स्टडीज है उससे हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है. नेक्स्ट जो यहां पर एक छोटी सी स्टोरी मेंशन की गई है उसका जो होल जिस्ट है, क्योंकि स्टोरी हमारे लिए उतनी मैटर नहीं करती, हमारा हमें मैटर करता है जिस्ट क्या है उसका. सिंपली उसमें बोला गया है जो मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क ऑफ अ मैन एंड अ वुमन, है ना. एक आदमी जो काम करता है और एक औरत जो काम करती है, उनके वैल्यू में कितना फर्क है. सो इसमें बताया गया है कि जनरली वुमेन्स जो होती हैं वो हाउसवाइफ या हाउस मेकर होती, घर पे रह के बच्चों का ध्यान रखना, बुजुर्गों का ध्यान रखना और बाकी जो भी घर का काम है, सफाई का, खाने का, लॉन्ड्री का, ये सब काम करना. बट इस काम का कोई भी वैल्यू नहीं है. इस स्टोरी के जरिए भी यही बताया गया है कि जनरली यही कहा जाता है कि जो बाहर जाके पैसे कमाते हैं दैट इज वर्थिंग, घर पे रह के जो काम किया जाता है दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. और इस चीज की आपको ज्यादा क्लैरिटी इससे भी होगी कि जो हाउस होल्ड वर्क है ना, जो हाउस वाइफ का वर्क है, वो हमारी जीडीपी में भी नहीं इंक्लूड होता. जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारे देश में एक साल में जितना भी, इससे किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है उसका पता चलाया जाता है जीडीपी से और नेशनल इनकम से, ठीक है. दोनों इकोनॉमिक टर्म है. एक ओवरव्यू मैं आपको देती हूं कि नेशनल इनकम की देश की पूरी आय कितनी हुई एक साल की, और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि एक साल के अंदर उस बाउंड्री के अंदर जो जो चीजें पैदा की गई, ठीक है. इससे पता चलता है कि कितनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कितना काम कर रही है. तो इस जीडीपी में हर छोटे से छोटा काम इंक्लूड होता है बजाय हाउस वाइफ्स के. हाउस वाइफ्स या हाउस होम मेकर्स जो काम करती हैं लॉन्ड्री का, कुकिंग का, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता. बट अगर आप शेफ की बात करें, ठीक है, अगर आप एक होम मेकर ना होके किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाके शेफ का काम करते हैं, तो एज अ शेफ आपका जो इनकम है वो नेशनल इनकम में भी
इंक्लूड होगी और वर्क विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन जीडीपी, बट एज अ होम मेकर अगर आप खाना बनाते हैं तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड. तो यहीं से पता चलता है कि जो फीमेल्स का वर्क है दैट डज नॉट हैव अ इक्वल वैल्यू एज दैट ऑफ मेल. सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये भी जानिए कि जो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है, ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन क्या होती है, काम को बांटना, है ना. ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, काम जो भी हुआ, सेग्रीगेशन उसे बांटना. उसकी जो डिवीजन है वो भी बहुत ही अनइक्वल सी है. आप जल्दी देखेंगे कि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें रिजर्व कर दिया गया है फीमेल्स के लिए और बाकी कामों में उनको कहा गया कि नहीं, दीज आर नॉट फॉर गर्ल्स और अ वुमेन. ठीक है, जैसे विमेन को ये कहा गया है कि बिकॉज दे आर जेंटल, वो जेंटल होती हैं, पोलाइट होती हैं, इमोशनल होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब दे कैन हैंडल, आप कहें तो बीमारों का ध्यान रखना या इल पर्सन्स की टेक केयर करना, वो उनमें ज़्यादा बेटर है बिकॉज दे आर स्ट्रक्चर्स, है ना, वो उसी तरह से स्ट्रक्चर की गई हैं. ठीक है, जेनेटिक बायोग्रामर जिसको कहते हैं, जनरली इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि विमेन आर गुड एट दिस वर्क, जेनेटिक बायोग्रामर का दिया जाता है टर्म, ये दी जाती है. सो ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन क्या है कि कुछ कामों को जेंडर के बेस पर डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, औरतों के लिए उस काम को रख दिया गया है जहां पे जेंटलनेस ज्यादा जरूरी है, पोलाइटनेस जरूरी है, सबमिसिवनेस जरूरी है. जैसे आप नर्स की बात करें, मोस्टली आप देखेंगे तो मैक्सिमम नर्स जो होती है दैट इज फीमेल्स. ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प की बात करें, ठीक है, टेक केयर्स की बात करें, क्रचेस की बात करें, जो क्रचेस में छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए जो रखे जाते हैं दैट इज प्राइमरी. अब तो चेंजेस आने लगे हैं बट जनरली आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल्स में भी, वहां पे भी फीमेल्स ज्यादा. क्यों? बिकॉज इट इज थॉट दैट कि इन सब चीजों में दे आर गुड एट दिस वर्क्स. वहीं अगर आप फिजिकली स्ट्रांग काम की बात करें, इवन आपको मैं एग्जांपल दूंगी कि अभी तक जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था तब तक विमेन्स को कमीशन फोर्स में भी नहीं, देवर आर्मी में वो सिर्फ एसएससी में, शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही काम कर सकती थी. कमीशन पोस्ट जो थी उनके लिए ओपन नहीं थी, बट लेटर ऑन इसे रेक्टिफाई किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया एंड नाउ दे आर अलाउड टू, एंड स्टिल विमेन आर नॉट अलाउड एज अ फुट सोल्जर. वो वॉर्स में नहीं, इसका जस्टिफिकेशन दिया गया है कि जनरली जब वॉर होती है तो प्रिजन्स ऑफ वॉर होते हैं ना, दुश्मन देश के लोगों को पकड़ लिया जाता है तो उनके साथ बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज की जाती है, इसीलिए विमेन्स को बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता. बट जनरली अगर आप देखें तो इसे आप सोसाइटी का माइंडसेट भी कह सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी इस तरह से सोचती है कि विमेन आर नॉट गुड एट दिस. जब तक किसी पहली फीमेल ने एवरेस्ट नहीं छुआ था, अंतरिक्ष पे नहीं गई थी, तब तक यही कहा जाता था कि लड़कियां नहीं जा सकती कहीं पे भी, इन चीजों में आगे नहीं कर सकती, उनके लिए घर का और टेक केयर का काम भी सही है. ठीक है, इसके नेक्स्ट का जो टॉपिक है उसमें भी दो केस स्टडीज हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप अपने चाहे सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसमें आप उसको लिख सकते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसे डिटेल में करेंगे. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ वर्क की मैं बात कर रही थी, दैट इज फीमेल के काम को कम वैल्यू दी जाती है, जैसे होम मेकर का जो काम है दैट इज नॉट इवन इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और जीडीपी. ठीक है, साथ ही ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन भी की गई है, कुछ कामों को रिजर्व कर दिया गया है, नर्स का काम हो गया, क्रचेस में काम हो गया, प्राइमरी स्कूल्स में काम हो गया, जो कि रखा गया है विमेन्स के लिए. अगर डिमांडिंग जॉब्स की बात की जाए जहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, 24 आवर्स की जरूरत है, तो जनरली वहां पे विमेन्स को नहीं लिया जाता, रिक्रूट नहीं किया जाता. आप देखेंगे अगर आप डेटा को पढ़ेंगे तो हमारे देश में प्राइमरी एजुकेशन की बात करें या सेकेंडरी एजुकेशन तक मेल एंड फीमेल एजुकेशन सेम होती है, लेकिन लेटर ऑन फर्दर हायर स्टडीज के लिए फीमेल्स नहीं जा पाती. क्यों? क्योंकि या तो फैमिली अलाउ नहीं करेंगी, या तो ये जो मैरिज सिस्टम है उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वजह से, और लेटर ऑन लेबर मार्केट की भी बात है. ठीक है, लेबर मार्केट में उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी उनके काउंटर पार्ट मेल को मिलती है. ठीक है, इसी में जो मैं आपको कहती थी करंट का हम करेंगे, दैट इज दो इंडाइसेस हम इसमें पढ़ेंगे. पहला ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट.
ये निकाली जाती है ईयरली बेस पे बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. जेंडर इनइक्वालिटी को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, कि विश्व में जेंडर में मेल और फीमेल में कितना गैप है. क्राइटेरिया इसके चार रखे गए हैं. फोर क्राइटेरिया पे जो जेंडर गैप है उसे मेजर किया जाता है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट इज हेल्थ, कि हेल्थ के स्टेटस में क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल के, ठीक है. सेकेंड आता है एजुकेशनल, एजुकेशन अटेनमेंट, एजुकेशन का क्या लेवल है मेल एंड फीमेल में, ठीक. सो फर्स्ट इज हेल्थ, सेकेंड इज एजुकेशनल अटेनमेंट, थर्ड इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्या इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या डिफरेंट है. जो हमने आगे देखा कि ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है, ग्रोथ के उतने चांसेस नहीं है. वेज गैप को अगर आप देखें, पे की बात करें तो पे में भी बहुत डिफरेंस मिलता है. एंड लास्ट इज, इट इज नॉट फाइव, इट इज फोर, लास्ट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. तो उसमें भी आप देखेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो पंचायती लेवल पे, म्यूनिसिपालिटी लेवल पे तो विमेन्स को रिजर्वेशन मिल गई है, पर पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन की बात की गई है फीमेल्स की, वो अभी तक वो बिल पास नहीं हो पाया है, ठीक है. तो अभी तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की भी बात करें तो, राइट की, राइट टू वोट की बात करें तो उसे भी लेने के लिए विमेन्स को लड़ना पड़ा था. सो ये जो चार क्राइटेरियाज हैं इसके बेस पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में इंडिया का जो रैंक था दैट वॉज 127th अबाउट ऑफ 146. 146 कंट्रीज में से 127th रैंक था, ठीक है. सो लास्ट ईयर जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया का जो रैंक है दैट इज 127th आउट ऑफ 146. अर्लियर इट वॉज 135, तो थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इन्हीं चार क्राइटेरियाज के बेसिस पे. सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इंडाइसिस, इंडेक्स आप कहें, जो जरूरी है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है. इसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. उसमें बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, 4 से 5 इंडाइसेस होते हैं, जिसमें से एक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है. एक आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और एक इसमें आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. इसी रिपोर्ट के 4-5 इंडाइसेस जो होते हैं वो पार्ट होते हैं, ठीक है. सो इसमें ही आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. जो स्कोरिंग है वो की जाती है 0 से 1 के बीच में. 0 का मतलब है कि द सोसाइटी इज इगैलिटेरियन, इक्वल, मेल और फीमेल जेंडर में भेदभाव नहीं है. और 1 का मतलब है कि हाईली इनइक्वल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी पाई जाती है. इसके जो क्राइटेरिया हैं वो 3 क्राइटेरिया हैं. पहला है विजिबल है, नहीं इस कलर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. 3 क्राइटेरिया पे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को निकाला जाता है. पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं, थर्ड इज एम्पावरमेंट. इन बेसिस पे निकाला जाता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. एंड व्हाट वाज द इंडियाज रैंक, इंडियाज रैंक वाज 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज. और मोस्टली जितने भी ये इंडाइसेस हैं इसमें जो कंट्रीज हैं डेनमार्क कंट्रीज होगी, जैसे नॉर्वे, स्वीडन,
आइसलैंड, डेनमार्क, यही टॉप पे रहती हैं, क्योंकि उन एरियाज में आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत कम पाई जाती है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स आप देखेंगे हर क्राइटेरिया में वो वाली कंट्रीज जो हैं दे आर अहेड. फाइन, सो जेंडर इनइक्वालिटी के रिलेशन में हमने दो इंडाइसिस को करा जो हमारे करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जनरली प्रीलिम में पूछे जाते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें निकालती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि जनरली 2 to 3 स्टेटमेंट्स में आते हैं क्वेश्चंस. सो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, और किस क्राइटेरिया पे निकाला जाता है दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज द स्कोर दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, ओके. सो दैट वॉज अबाउट ठीक है. सो दैट इज बस इतना ही है इस चैप्टर में, क्योंकि इन इक्वल वैल्यू अटैच की जाती है मेल और फीमेल के वर्क के साथ, इसीलिए जल्दी, और साथ ही फीमेल को जो है रेस्ट्रिक्टेड किया गया है उन कामों में कि जो घर का काम है, टेक केयर करना है बच्चों की, बूढ़ों की, वो उन्हीं को करना है. इसकी वजह से क्या होता है ना, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती बाहर जाके काम करने की. ठीक, पहले पढ़ने की नहीं मिल पाती क्योंकि घर रह के उनको काम करना है, फिर अगर पढ़ने की चांस मिला तो बाद में वो काम नहीं कर सकती क्योंकि बच्चों की देखरेख करनी है. तो इन्हीं चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ाने के लिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब कि फीमेल्स जो हैं वो मार्केट में, लेबर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें. अगर उनके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, स्किल है, तो वो उस स्किल को यूज़ करके जो कंट्री है उसकी प्रोडक्शन में, जीडीपी में, इकोनॉमी में किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट करें. तो उसके लिए एजुकेशन देना तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो इनका काम है उसका बर्डन कम करना भी जरूरी है. तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने लाई है, बहुत सी स्कीम गवर्नमेंट लाती है जिसमें से एक है पालना स्कीम, नेशनल क्रच स्कीम कहा जाते थे, देन इट इज कॉल्ड एज पालना स्कीम, जिसमें क्या है कि क्रच की फैसिलिटीज जो आंगनबाड़ी सेंटर्स है ना, आंगनबाड़ी की भी स्कीम इसीलिए स्टार्ट की गई थी क्योंकि वहां पे जो छोटे बच्चे हैं उनको डे केयर प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, बट उसमें जो एज था वो बहुत थोड़ा हाई, ज्यादा एज पे रखे जा रहे थे, बट पालना में है कि 6 मंथ से लेकर 6 इयर्स तक के बच्चों को रखा जाएगा. ठीक है, 6 मंथ से 6 इयर्स के बच्चे, और उनको फुल आप बोले डे केयर प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, न्यूट्रिशन हो या फिर उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या हेल्थ चेकअप हो, वैक्सीनेशन का काम हो, सब कुछ जो है उनको उन सेंटर्स में, नेशनल क्रेच सेंटर्स में प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, और आंगनवाड़ी सेंटर्स भी इसीलिए खोले गए थे ताकि उनको न्यूट्रिशन मिले, ताकि विमेन्स को जो है टाइम मिल सके अपनी जो है स्किल्स है उसको इम्प्रूव करके इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करने के. ठीक है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दैट इज 5 जो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये वो गोल्स है जिन्हें पूरे वर्ल्ड ने डिसाइड किया है टू अचीव बाय 2030, 2030 तक हमें इसे अचीव करना है, और ये टोटल है 17 गोल हैं जिन्हें टारगेट किया गया है कि 2030 तक हमें अचीव करना है. उसी में से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है दैट्स टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी, कि हमें मेल और फीमेल में बराबरी लानी है हर तरीके से, हेल्थ का क्राइटेरिया हो, एजुकेशन का हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का हो, चाहे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का हो, हर तरीके से. ठीक है, सो ये स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट है विच यू कैन मेंशन इन योर आंसर्स ऑल्सो. सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर. Yes, so that's it for today's lecture. आज हमने जाना growing up as a boy or a girl, किस तरह से society में जो mindset है, society का जो perspective है, criteria है, वो एक लड़के को और लड़की को लेकर different है. और हमने ये भी जाना कि हर society में same ही नहीं है, it is not a thumb rule, हर society में ये vary करता है depending upon their own culture. फिर हमने value of work को भी जाना, कुछ indices पढ़े and जाना कुछ schemes के बारे में. So that's it for today's lecture. मिलेंगे नए lecture में नए chapter के साथ. Till then, take care. Thank you.